Hi guys, this is Feroz Khan and you're watching Something Hot, and there are going to be major announcements coming up soon, so keep watching. My name is Amna. I'm not going to give my introduction, and I'm also not going to give an introduction for the young star with me today. One of my favorite people in the industry. Aap logon ko pata hai kyun? Backstory sab jaan chuke hain. Lekin it's been a year since we sat down for an interview. Us saal mein bahut kuch hua. Unka ek bahut successful drama aaya. Unhone ek award jeeta apne acting ke liye. Aur ab is waqt he's on television in a drama called Ishqiya. There is an upcoming play called Khudar Mohabbat, and there is a film coming out on Eid al-Fitr which is called Titch Button. Lots more happening in his life. There's family, there's children, there's Instagram, he's off Instagram and he's on Instagram. A lot more that he has to say. Feroz, thank you for joining today. Thank you for having me, Amna. Aur aapne kaha jahaz ud raha hai, usko udne dein, wo udta rahega. Udta rahega. Bilkul. So Feroz, it's been a year since we sat down. A bahut popular demand thi ke bhai kare interview. So much has happened in this last year. Yeah. Starting from, of course, MashaAllah Sultan. Alhamdulillah. And MashaAllah the award. Alhamdulillah. Aur dono ye kisam ke awards hain in their own right. Bilkul. Who are you today? Who is Feroz Khan today in 2020? I think 2020 today, Feroz Khan is the realest he's been so far in his life. So, yeah. The most real that you've been ever? The most real I've been ever. How so? Were you not real last year when we sat down and met? I think when the worldly desires in your heart, and too many worldly desires, then obviously you lose yourself. You lose yourself in chasing them, and so obviously you lose yourself chasing them. And so yeah, today I think I'm cutting them down, so okay. I feel a little better. I feel a little lighter. So आपने detox किया अपनी life में से? बिल्कुल. क्या-क्या निकाला? क्या-क्या निकाला? मैंने कोशिश की कि मैं अपने आप को निकालूं बजाय मैं बहुत सारी चीज़ों को निकालूं. मैंने कोशिश की कि मैं अपने आप को निकालूं और मैंने उसके लिए दुआ की. अच्छा, आपने हज भी किया माशाल्लाह. अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह. आई थिंक इट वाज द बिगेस्ट ब्लेसिंग इन माय लाइफ. आपने सुल्तान का बोला और मैं बोलता हूँ कि हज जिंदगी में सबसे बड़ा तोहफा अब तक रहा है. सुल्तान तो बेशक उन्होंने ही अल्लाह ताला ने अता किया है, बट हज से बहुत कुछ सीखा. और हज के बाद बहुत सारे, जैसे अल्लाह ताला फरमाते हैं कि पर्दे दिलों पे जो होते हैं वो हटते हैं. जब समझ आती है बात, वो उसके बाद समझ आना शुरू हुई. तो आई थिंक इट वाज द बिगेस्ट ब्लेसिंग फॉर मी कि मुझे हज नसीब हुआ. और आपने मुझे बताया था कि हुआ भी बहुत लास्ट मिनट. बहुत लास्ट मिनट हुआ. मुझे हर तरफ से मना कर दिया था. मुझे कहीं से कोई पैकेज नहीं मिल रहा था. मुझे कहीं से हज का मुझे लग ही नहीं रहा था कि कोई पॉसिबिलिटी है कि आप जा सकेंगे, कहीं जा सकता हूँ. हर किसी को फ़ोन कर लिया था, हर हज प्लानर को फ़ोन कर लिया था, हर किसी को कि कहीं से मुझे कोई एक पैकेज मिल जाए. बट लास्ट मिनट वही बात है कि आखिरकार हर चीज़ अल्लाह ताला देते हैं. और मैंने उनसे मांगा तो मुझे स्टेट गेस्ट वीज़ा पे बिल्कुल लास्ट मोमेंट लाइक एक दिन पहले, जो पहली आई थिंक जो लास्ट फ्लाइट जा रही थी हज की, उससे एक दिन पहले मुझे स्टेट गेस्ट वीज़ा मिला. इट वाज रियली काइंड ऑफ द जनरल ऑफ द सऊदी एम्बेसी, ही हैंडेड इट टू मी एंड पर्सनली, एंड माय ब्रदर वर्कड इट थ्रू विद हिम. उसके बाद आई कॉल्ड अप द टिकट एजेंसी. इट वाज द लास्ट टिकट दैट वाज अवेलेबल. लास्ट फ्लाइट, लास्ट टिकट, लास्ट हज वीज़ा. और लास्ट एहराम कहाँ से आया? और उसने जब मुझे बोला कि, जब उसने मुझे वीज़ा दिया तो कहते हैं आफ्टर दिस आई एम नॉट गोना गिव एनीवन अ वीज़ा. दिस इज प्रॉब्ली दिस इज द लास्ट वीज़ा एंड वी आर शट डाउन नाउ. तो ये मेरे लिए बड़ी एक नेमत थी कि ये होना था. और जो सबसे एक एक्साइटिंग बात थी कि अल्लाह ताला ने अपना होने का जो एहसास दिलाया वो
इस तरह दिलाया कि ये मेरी दुआ जवाब है कि हर चीज़ पे वन आ रहा था, वन वीज़ा, लास्ट वीज़ा, लास्ट टिकट, मकतब नंबर वन, एंड इट वाज जस्ट, यू गेट इट, इट वाज जस्ट द वंस, इट वाज मेंट टू हैपन. या सो ऑब्वियसली फॉर दोज आर द साइंस हु बिलीव. एब्सोल्युटली. सो आई थिंक आई, ये तो मेरा एक मासूमाना सा सवाल था ना कि एहराम आपने क्या तैयार रखा हुआ था अपना जाने का? एहराम नहीं, एहराम भी मुझे मांगना पड़ा, तोहफा मिला. अच्छा. और बस मुझे तो कुछ नहीं पता था कि क्या होने वाला, क्या होने वाला है. हाँ जी. मगर आप अकेले चल पड़े अल्हम्दुलिल्लाह. वहाँ जाके फिर आपको हमजा भी मिले. वहाँ पे जाके मुझे हमजा मिले, लेकिन वो आतिफ ने, आतिफ भाई ने, आतिफ भी मिले, हमें मिलवाया. और वो बड़ा, वो इज रियली काइंड ऑफ हिम, क्योंकि और मुझे लगता है कि होना था, बिकॉज एक छोटी सी कोई ट्विटर पे एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी. हाँ. वो कोई थी नहीं. अच्छा. लेकिन मुझे खुशी ये थी कि वहाँ पे हम मिले और वो सारी मिसअंडरस्टैंडिंग भी खत्म हो गई. जी. एक बड़ी क्यूट तस्वीर आपने लगाई थी. जी. अपनी, जिसमें आप थोड़े बहुत कियानो रीव्स टाइप लग रहे हैं. अच्छा? मेरा बड़ा सवाल था कि वो तस्वीर ली किसने थी? कौन सी वाली? आज के वक्त, हज के वक्त जिसको देख के पता चला था दैट यू हैड एक्चुअली गॉन फॉर हज. वो देख के मैंने सोचा ये तस्वीर तो बड़ी क्यूट है, स्टार भी लग रहा है हज. अच्छा. पे, लेकिन ये ली किसने तस्वीर? वो मेरे एक दोस्त हैं. अच्छा. वो उन्होंने ली थी. वो बड़ी क्यूट तस्वीर थी. थैंक यू. मगर फिरोज, इट वॉज एन इवेंटफुल ईयर फॉर योर फैंस एज वेल, क्योंकि आपने ऑफकोर्स दिल क्या करे was, I mean, one of my favorite dramas of 2019 because वो इतना सटल था. और मेरे ख्याल है कि खानी के बाद आप कॉन्स्टेंटली काम कर रहे हैं. रोमियो वजीर भी आया, रीनो की दुल्हनिया भी आया, ये भी था. इसमें आपका कैरेक्टर बिल्कुल फ़र्क था. खानी और रोमियो वजीर जो थे, वो खानी बहुत लाउड कैरेक्टर था, सटल भी था. हाँ. लेकिन लाउड था. हाँ. और बहुत एक्सप्रेसिव था, बहुत ज्यादा जुनूनी था. रोमियो मीर हादी सटल कहीं से नहीं था भाई. कहीं मुझे ऐसा लगता है कि कहीं. हाँ. कहीं वो था, क्योंकि वो शुरू में तो कोई बात ही नहीं करता था. हाँ. बहुत खामोश था, बहुत एक्शन टू द एक्शन कॉल होती थी उसकी. तो मुझे ऐसा लगना है, वो तो बाद में जब वो उसको रियलाइजेशन हुई, उसका रोना धोना शुरू हुआ, तो मुझे लगता है कि वो थोड़ा सा एक्सप्रेसिव हुआ, लाउड हुआ. लेकिन उससे पहले तो इतना ज्यादा कोई उसका नहीं था. इसका नाम रोमियो जो था, वो डांस, बिल्कुल चीखना चिल्लाना, लाइट हार्टेड, यूनिवर्सिटी. वो दिल क्या करे वाज फॉर अ कंप्लीटली डिफरेंट मार्केट. इट वाज वेरी सटल, वेरी लाइट, यू नो, नॉट सो मच एक्शन, जस्ट रियल टू द पॉइंट टॉक, एंड टिपिकल महरीन जब्बार. टिपिकल महरीन जब्बार, बिल्कुल. मगर जहां तक एक जुनूनी हीरो होता है, हू इज लाइक, यू नो, जुनूनियत की हद तक फॉलन इन लव विद दिस गर्ल, डू यू सी एनी सिमिलैरिटीज बिटवीन मीर हादी, perhaps not in a negative way, and Hamza's character in Ishqi आजकल आपका आ रहा है, and उसमें भी बड़ा आपका एक passionate hero है जिसको, who has a bit of an anger problem, नहीं? Yeah, I think he doesn't. Hamza, when I played him, he did not have an anger problem. वो ही again, मुझे लगता है कि वो एक इकलौता बेटा है अपनी family का, और वो उसका anger issue नहीं है, उसका issue है सीधा. कि मुझसे सीधी बात करो. हाँ. जो भी बात है, नो ग्रेस, ब्लैक और वाइट, हो रहा है नहीं हो रहा. उसका रिटेलिएशन जो, हाँ. जो हाँ अगेन हो रहा है, वो इस वजह से हो रहा है कि एक लड़की उसका कोई हफ्तों फोन नहीं उठा रही है, उसको बता नहीं रही है क्या हो रहा है. एंड ऑब्वियसली ही इज इन अ रिलेशनशिप, तो उसका कंसर्न बनता भी है. हुँ. उसका जानना बनता भी है, बिकॉज ही इज सीरियस, ही इज नॉट प्लेइंग अराउंड, ही इज नॉट हैविंग अ प्रॉब्लम, ही इज प्लेइंग द फील्ड. एग्जैक्टली, यू नो, वो सीरियस है उसके साथ. तो उसके बाद अगर रिटेलिएशन, तो मुझे लगता है थोड़ा बहुत बनता है. बनता है. मगर क्या ऐसी, आप यू प्लेड द फील्ड इन द डे, नाउ ऑल्दो नाउ यू से यू क्विट, बट आपको लगता है कि ऐसे हो सकता है कि चार साल से वो लड़की इसके साथ रिलेशनशिप में है और वो बता ही नहीं रही उसको कि उसका निकाह हो गया है? वो कह रही छुपाओ. डजंट शी नो हिम? डजंट शी नो हिज टेम्परमेंट, या ये कितना दिल पे लेगा, या यू नो? वेल, आई थिंक मोहसिन अली, हु रोट दिस ड्रामा, वुड बी इन अ बेटर प्लेस टू आंसर दैट क्वेश्चन, कि वो क्या सोच के उन्होंने लिखा. ओके. बट मुझे ऐसा लगता है कि बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ होता है इस दुनिया में. बट यू आर हैप्पी विद द वे योर कैरेक्टर इज इवॉल्विंग एंड ऑल दैट. पर ये पूछना था बिफोर यू स्टार्ट रिप्लाइंग टू दिस, कि आप स्क्रिप्ट पढ़ते हैं तो अब क्या है, व्हाट इज इट दैट अट्रैक्ट्स यू टू अ स्क्रिप्ट के आपको, क्योंकि मुझे पता है आपको बहुत रोल्स ऑफर हुए हैं. व्हाई आर यू सेइंग नो टू सो मेनी ऑफ देम, एंड व्हाई डिड यू एग्री टू इश्किया एंड अपकमिंग खुदा और मोहब्बत? Why I agreed to Ishqiya was because of the director, because he directed Cheekh, and Cheekh right. was certainly something different. Yes. On TV. Yes. How it was done. Ji. And I
was excited for Mohsin Ali as well because he wrote the drama. Then Hani, Pramsha I'd already worked with. She's a great artist to work with. Hania I was excited to work with and to explore how she was to work with. Bahut maza aaya mujhe uske saath. बहुत अच्छी एनर्जी है उसकी तो कुछ चीज़ें ऐसी थी जो मुझे अट्रैक्ट की और उसके बाद जब मैंने वो स्क्रिप्ट पढ़ा तो मुझे लगा कि मैं उससे कहीं प्ले कर सकता हूँ उससे कहीं रिलेट कर सकता हूँ तो वो किया और खुदा और मोहब्बत ए रीज़न ए इज द स्क्रिप्ट इज़ रियली नाइस आई रीड द स्क्रिप्ट एंड इट्स रियली नाइस एंड माय ब्रदर्स आर प्रोड्यूसिंग इट Right, Abdullah Kadwani and Asad Qureshi. And I'm not calling them producers, I'm calling them brothers. Why? Because I think in the industry today, और ये कोई इस बात में कोई झूठ नहीं है. In the industry today, if there are serious producers, it is Abdullah Kadwani and Asad Qureshi. How do you say so? There is no one else who I call a producer. Literally no one else. सब यहाँ पे पैसे कमाने के लिए बैठे हुए हैं enjoy कर रहे हैं जितना भी कर रहे हैं लेकिन बहुत serious producers हैं अब्दुल्ला कादवानी और असद कुरैशी के मेरे पास बहुत ही passionate हैं बहुत passionate हैं मतलब मेरे दिल में उनके लिए इतनी इज्जत है मैं भी जब भी इनके साथ मिलके बात करती हूँ मुझे लगता है इतना जज्बा है कि you know मतलब they don't care मतलब बहुत सारे producers ऐसे होते हैं जो ये बोलते हैं कि जी दिन में 10 सीन करने हैं 10 सीन कोई आर्टिस्ट है कोई मशीन थोड़ी है पानी खींचने वाली की ऑन कर दिया तो वो कट 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 उसका एक पिस्टन चलेगा और वो पानी खींचेगा एक आर्टिस्ट है उसको वो चीज हजम करनी है और उसके बाद उसको वो डिलीवर करनी है बिल्कुल वो अंडरस्टैंड करते हैं उस बात को और अगर आपको एंड टाइम पे भी आप बैठो और यू आर नॉट सेटिस्फाइड एंड यू जस्ट कॉल देम अप कि अब्दुल्ला भाई आई थिंक यू नो वी कुड डू इट बेटर ही वुडंट केयर अबाउट हिज प्रोडक्शन ही वुड बी लाइक डिलीट ऑल एंड लेट्स रीशूट रीशूट या एंड द वे यू वांट टू रीशूट या सो सच आर द प्रोड्यूसर्स यू नो सच आर द That's what you call film. No, they really love you a lot as well because वो बहुत आपकी जब भी बात करते हैं बहुत ही elevated तरीके से and बड़े लोग हैं वो and this much I know about you that you don't have acquaintances either no, you don't know people or they're your friends exactly or you love them or you don't know yeah, them yeah I don't keep कोई middle ground है ही नहीं 100% पर रोज की ज़िंदगी में कोई middle ground बिल्कुल नहीं है और मुझे लगता है किसी की ज़िंदगी में नहीं होना चाहिए क्योंकि दोस्ती या कोई भी टर्म किसी के साथ एक ऐसी चीज होती है कि उसका बड़ा मान रखना जरूरी होता है आपको आपको उसका उसके सामने नहीं बल्कि उसकी कमर पे उसका मान रखना जरूरी होता है तो आई थिंक ये बड़ी रिस्पांसिबिलिटी होती है तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने ये एक अच्छी अदा दी है और दुआ करता हूँ कि रहे और ज्यादा अच्छी होती रहे अदाएं तो आपको बहुत और भी अच्छी दी है थैंक यू लेकिन अच्छा फिरोज पहली फिल्म आई गई अब upcoming teaser aa chuka hai Titch Button ka yeah you look great in the teaser and I must say that the entire ensemble cast looks really good yeah badi uplifting youthful fresh aapki aur farhan ki jo bhi bhai chara brotherhood camaraderie hai wo bhi achhi lag rahi hai aur aapke saath agar sonia hai ya iman hai aap charon ki badi jo ek quadrangle sa bana hua hai wo bada interesting lag raha hai kya aap koi roshni dalna chahenge Titch Button pe roshni सूरज निकला हुआ है मैं क्या रोशनी डालूं सूरज की रोशनी काफी है सूरज की रोशनी काफी है हां नो बट व्हाट वर योर एक्सपेक्टेशंस व्हेन यू साइन द फिल्म एंड टुडे व्हाट आर यू लुकिंग फॉरवर्ड टू व्हेन इट रिलीजेस सी द थिंग इज आई थिंक आई हैव टोल्ड यू इनफ टाइम दैट आई डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम अ प्रोजेक्ट आई वांट टू हियर इट अगेन आई डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम अ प्रोजेक्ट सो आई डू इट जस्ट cuz I like it or I want to do it there are these two reasons right. that's it right so this one I did because I wanted to do it for the director he's a dear friend of mine Qasim Ali Murid bilkul he was the director of photography in my show Gule Rana and he was the kind of energy that I always wanted to be around for the creative job so he was doing his first film he expressed how much he wanted me to be on board and how much he wanted me to be a part of his film his first film so I couldn't say no to it right because I could see his
इंटरेस्ट yeah. तो वो इस तरह हमने की, लेकिन मुझे पता है कि उसने बहुत मजे का शूट किया है, उसने बहुत मजे का काम किया है. और मुझे लगता है कि ईद बड़ी स्पेशल होने वाली है इन योर हाउसहोल्ड. या आई नो, एक तरफ एक तरफ आएगी डिश बटन, या आई एम एक्साइटेड फॉर हुमायमा, और एक तरफ आएगी हुमायमा की लेजेंड ऑफ मौला जट. इंशाल्लाह आई एम एक्साइटेड. इट्स गोइंग टू बी अ बिग ईद फॉर यू गाइस. या या इंशाल्लाह फॉर श्योर. अल्लाह ताला और अच्छा करे. बिल्कुल बिल्कुल. और हुमायमा को भी अनकरीब लेके आएंगे ऑन कैमरा, बिकॉज we really want to talk to her about it, you know. Unka to ek bahut major I think she's gonna throw the ball out of the court. Oh, absolutely. I have no doubt. She is such a brilliant actress. Yeah, I mean, I have no doubt about 100%. It. 100%. I'm really bahut zyada talented hai. Yeah, the best thing about Hamaima is she's made for the big screen. Exactly. And exactly. She aise baithti hai jaake big screen pe, you know. Bilkul. She owns it completely. Bilkul. Bilkul. So no doubts there. Bilkul. And no doubts about Tish Bhatna either. I mean, I think that dono filmein aisi hongi jo chalengi, and they're so different. Bilkul. One is really dark and gritty and grungy action, and one is so light and sort of, and yet there's action and romance. There's action and romance. There's everything in there. There's everything. And you would like it. Ha, no, I can imagine that. I believe I would. Yeah. Absolutely. Yeah. So what now? वो तो हो गई, shooting भी खत्म हो गई. I think इश्किया. खुदा मोहब्बत is just about to wrap up. To wrap up, I think we've got another month shoot. Yeah. And I'm going to be shooting again on my anniversary. So which is because last anniversary I was shooting for Tish Bhatan. Right. This anniversary I'm shooting for खुदा मोहब्बत. So it's tough. I guess Elise has gotten used to it now. Well, not just used to it. I think you know, it's I think her being supportive and all this thing, the journey. But I think Khuda Aur Mohabbat should be my my last acting project, because I'm not gonna act after this. Oh, okay. Hold on a second. Yeah. ये बहुत बड़ी announcement है. Yeah. Does this have? Now मैं थोड़ा rewind करूँगी. कि ये जो इंस्टाग्राम पे डिसअपीयरिंग एक्ट होता है, कभी फिरोज चला जाता है, फिर फिरोज आ जाता है, फिर फिरोज चला जाता है, फिर आ जाता है, और अब आप कह रहे हैं कि अब आप एक्टिंग छोड़ रहे हैं, तो ये क्या, व्हाट इज हैपनिंग? आमना, अल्लाह ताला ने ना मुझे फ्रॉम नोबडी एंड फ्रॉम नथिंग टू एवरीथिंग दिया, एंड आई डोंट थिंक आई शुड still be starving. Rather, I should be grateful. I should thank Allah, and I should do what I'm sent to do on the face of earth. I'll find my purpose. I'm working towards it, and I'll do it, inshallah, if He allows and if He wills. But I'm not going to do any baseless dramas anymore. If anything that educates people, if anything that educates the youth, jo unko kuch acha aur bhala samjha sakta hai. Aspirational. Exactly. यू नो कोई उनकी करेक्शन कर सकता है कुछ भी इस तरह का, जैसे यूनुस एम्रे, ऋतिक रोशन, इस तरह के ड्रामास जो कुछ सिखाते हैं. हाँ. वो मैं आई एम विलिंग टू. आपको नहीं लगता फिरोज, लेकिन हर ड्रामा और हर कैरेक्टर किसी न किसी लेवल पे कुछ सिखा रहा होता है? लेकिन सिखा तो रहा होता है, लेकिन मुझे लगता है कि हर ड्रामा नहीं सिखाता. हर ड्रामा नहीं, ऐसा नहीं होता कि हर ड्रामा कुछ सिखाने के लिए इतना सीरियस मुझे नहीं लगता कि लोग लेके बैठे हुए हैं. राधर बिजनेस उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. मैं आई एम अ पार्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री, सो आई अंडरस्टैंड. हर ड्रामा नहीं होता, हाँ, लेकिन कुछ होते हैं. जैसे अभी रीसेंट टाइम्स में अलिफ इज़ वन ऑफ दोज ड्रामास. खानी मुझे लगता है वॉज वन ऑफ दोज ड्रामास. खुदा और मोहब्बत इज़ वन ऑफ दोज ड्रामास. या सो आई थिंक ये बहुत रेयर होते हैं इस तरह के ड्रामास बनना, और उनको इतना सीरियसली लेना प्रोड्यूसर्स के बाद. मुझे लगता है पीओवी से कि वो उसको इतना सीरियसली लें और उसको बनाए. बहुत कम ड्रामास होते हैं. बाकी तो सास बहू मसला, यूनिवर्सिटी के प्यार के मसले, लड़ाई झगड़े, जान ले लूंगा, दे दूंगा, बुलशिट, आई मीन यू नो, तो वो तो होते ही चला आ रहा है. अपने प्यार को बुलशिट कह दिया, दिल को लगा जाके. मैं आजकल पढ़ रहा हूँ, सबसे पहले तो किताबों में बादशाह कुरान मजीद तर्जुमे के साथ, और मैं पढ़ रहा हूँ हज़रत हक बाहू की किताब है, उसका एनुल फ़कर उसका नाम है. तो जब आप ये पढ़ते हैं ना, तो आपको समझ आता है कि प्यार और इश्क है किसके लिए. यू नो, प्यार और इश्क इंसान के लिए तो मुझे नहीं लगता कि है. इंसान के लिए तो आपने उनके साथ खुलूस व इखलास रखना इसलिए है क्योंकि
ہمیں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے اور ان کی مخلوق سے محبت کرنی ہے. لیکن عشق اور پیار یہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال. سلطان کیسا ویسے؟ بہت اچھا بچہ ہے. ٹیمپرمنٹ کیسا ہے اس کا؟ بہت لائٹ ہارٹڈ ہے, بہت لائٹ ہے, اور مجھے لگتا ہے کہ اس کا مجھ سے زیادہ کنیکشن ہے. You know, I think he's got something. Connection with you? No, with God. With God? Yeah. بچوں کا ہوتا ہے. ہاں اور پیور ہوتے ہیں نا. ہاں اور بہت پیور ہوتے ہیں. اور لیکن ہمیں نا بچوں کو بچپن سے ہی بہت سیریسلی لینا چاہیے. ہم اکثر نہیں لیتے, ہم سمجھتے ہیں کہ اٹس اوکے, بٹ اٹس ناٹ اوکے. یو نو دیٹس ویئر دا تربیت اسٹارٹس فرام. تو بہت ایک ڈفرینٹ قسم کا بچہ ہے الحمد للہ, اللہ اس کو خیر میں رکھے ہمیشہ. سوری, ہم نے کہا تھا جہاز اکا دکا جائے گا, لیکن آج تو مجھے لگتا ہے کوئی ایئر شو ہو رہا ہے. نہیں, obviously وہ they're preparing for it نا. So you made a big announcement, yeah. And I would say that it doesn't mean that you're quitting entirely, کہ آپ اب ایکٹنگ نہیں کریں گے, بلکہ you're going to choose your projects very carefully. Yeah, but جیسے مگر mainstream acting ایسے نہیں ہوگی کہ it's not going to be my bread and butter anymore. So then what will be your bread and butter? Now we're talking. Yeah. I'm starting up a clothing line. I'm working on my brand. Right. That I'm going to announce through you only in yes. In a couple of weeks. Absolutely. Because I'm still working on it. So I'm going to be focusing on that. I'm going to be doing that. But and that's it. But not acting. پچھلے سال تک آپ کہہ رہے تھے میں تو آسکر لے کے دکھاؤں گا. میں لے سکتا اگر آج آپ کو آفر آ جاتی ہے ہالی ووڈ سے. اچھا, مجھے جو بات سمجھ آئی, میرے پاس ابھی ریسنٹلی ہالی ووڈ سے ایک آفر آئی اور ایک لیڈ کیریکٹر کے لیے آئی, لیکن تب وہی والا ٹائم چل رہا تھا کہ جب میں یہ ڈیسائڈ کر رہا تھا کہ میں کیا کرنے والا ہوں. تو آسکر تو ابھی بھی اچیویبل ہے, ابھی بھی اچیویبل ہے, لیکن اس کے لیے مجھے جس رستے پہ جانا پڑے گا, آئی ایم ناٹ ریڈی فار دیٹ. آئی ایم ناٹ ریڈی فار اٹ اینی مور, بیکاز آئی ہیو انڈرسٹوڈ ون تھنگ, دیٹ یو گیٹ لائف وانس, یو ڈیسائڈ واٹ یو وانٹ. یو وانٹ اللہ or you want anything that is in the world. So I want Allah. I've chosen کہ I want طلب اللہ. میں دعا کرتا ہوں مجھے اللہ کا قرب حاصل ہو, مجھے ان کی قربت حاصل ہو. مجھے یہ آسکر بہت بچوں والا کام ہے, بہت بچوں والا کام ہے, مطلب اٹس ناٹ ڈیفیکلٹ ایٹ آل. آپ دیکھیں, لیکن اس کا میں تھوڑا سا یہ بھی بات کرنا چاہتا ہوں, مجھے لگتا ہے کہ میں رسپانسبل ہوں فار واٹ آئی ہیو ڈن اینڈ اچیوڈ ان دس انڈسٹری. میں لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو ٹک ٹاک کے لیے کچھ گنے چنے لائکس کے لیے, کچھ کامنٹس کے لیے, 10 seconds of fame کے لیے لوگ جو کچھ کرتے پھر رہے ہیں, خدا کا واسطہ اپنی آنکھیں کھولیں, اپنی عقل کو جگائیں. آپ دیکھیں کہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں. میں نے ابھی ریسنٹلی دیکھا کہ قائد اعظم کے مزار کے اوپر ایک لڑکی نے ڈانس کیا, ناچ رہی ہے, اور وہ قائد اعظم کے مزار کے اوپر ناچ رہی ہے, اور اس نے ایک یہاں تک نقاب کیا ہوا ہے سفید کپڑوں میں. کچھ شرم کریں, لٹرلی اپنی آنکھیں کھولیں, کچھ شرم کریں, کچھ سوچیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے. یہ کوئی انسان, مجھے نہیں لگتا کہ کوئی انسان اپنی صحیح عقل اور صحیح سوچ میں یہ کر سکتا ہے. آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ ان کی کیا قربانی ہے ان کی اس ملک کے لیے جدھر ہم بیٹھے ہوئے ہیں آج. بالکل, جدھر ہم سکون سے اپنے بستر میں جا کے سوتے ہیں یہ جانتے ہوئے کہ ہم ایک آزاد ملک ہیں. ہم لوگ کیا کر رہے ہیں اور کون رسپانسبل ہے اور کون پوچھے گا ان لوگوں سے. مجھے لگتا ہے کہ بہت سیریس لا اینڈ آرڈرز آنے کی ضرورت ہے ہمارے ملک کے اندر, بہت سیریس, جس کو ہم سیریسلی لیں. سب سے پہلے ہم لیں, میں اور آپ لیں, تاکہ جو ہمیں لوگ فالو کرتے ہیں اور سنتے ہیں وہ بھی لینا سمجھیں کہ کتنا ضروری ہے. ایگزیکٹلی, یہ اٹس کریزی. آئی تھنک we are literally heading towards hell. aapko laga ke haj karke aapka clean slate ho gaya? dekhiye, mujhe agar main na is pe manu to mujhe aakar rasool pak sallallahu alaihi wasallam ki hadith hai, jo arafat pe yakeen nahi rakhta wo hum mein se nahi hai. to i believe so ke bilkul clean slate ho gaya, ye mera iman hai. right. kyunki main unme se hona chahta hu, lekin iska matlab ye nahi hai ki maine uske baad koi gunah nahi kiya hoga. بہت بڑے بڑے گناہ انسان سے ہو جاتے ہیں, نہ جانتے ہوئے بھی کر لیتے ہیں. ایگزیکٹلی, تو کلین سلیٹ تو کوئی بھی نہیں ہو سکتا, ورنہ انسان اور خدا میں نعوذ باللہ کوئی فرق نہیں رہے. تو میں انسان ہوں, میں گنہگار ہوں, لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں لوگوں کو ہیلپ کروں ان کو جگانے میں, کیونکہ ہم لوگ جیتے جاگتے سو رہے ہیں. اور مگر ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ ہم آپ ایکٹنگ نہ چھوڑیں. میں ایکٹنگ کروں گا نا, لیکن ہم یہ تو پھر آپ کیوں نہیں, وائی ڈونٹ, آئی آلسو ہرڈ ونس یو سیڈ دیٹ یو ور گوئنگ ٹو پروڈیوس یور اون
I'm not interested anymore. I'm interested in doing other things. I'm interested. So you're not interested in half the things that you were interested in last year. Because I've changed as a person. What is the possibility that you'll change again till next year? See, it's all in the hands of Allah. It's all by His will. Maybe God has chosen this for you. Maybe He has, but that's why I'm saying that I would rather do something that would educate people, that would make them understand the sensitivity of this life, if again He wills. We hope that there will you will be visible, and we hope that you will, you will find things to do I'm that around. Make you happy and I'm satisfy you think, as a human being. Yeah, I'm around because I think now I have more responsibility because I probably could be given all this fame and thing to, you know, at the end, guide people. Absolutely. So, it goes without saying. Yeah, goes without so, saying. But I also feel you have a true calling, which is performance. Which is acting, it comes very naturally to you. You are a very good actor. Yeah. And I would hate to see that not visible anymore. No, I'm here. I'm here and I would be still acting. Bilkul. But not regular. Bilkul. Not regular. Haan, kuch aisa hua jo mujhe track kiya, mujhe laga ke it needs my service. Theek hai. Then I'm there. Theek Agar nahi, to it's fine. Bahut sare actors hain, bahut sare log hain, bahut sare naye log hain jo chahte hain karna. Unke liye bhi jagah chhodni chahiye. To wo aayenge, wo karenge. Aur koi na koi karega. मुसाफिर है ना इंसान तो जो काम है वो चलता रहेगा ये इंसान जाता है वो सब बाकी चीजें वही रहती हैं टेस्ट वही रहते हैं ब्लेसिंग्स वही रहती हैं गाइडेंस और गुमराही और राय रास्त सब वही है ये बस इंसान अपना टेस्ट पूरा करके निकलता है ठीक है इंस्टाग्राम पे आप क्यों हवा के झोंके की तरह आते जाते रहते हैं इंस्टाग्राम मेरा इसी वजह से पता है इंस्टाग्राम से मेरा ना दिल भर गया है कि हम कुछ लाइक्स के लिए हम कुछ भी करने को तैयार हैं कुछ भी करने को तैयार हैं तो अगेन मैं चाहता हूं कि एटलीस्ट मुझे जो फॉलो करते हैं या जो मेरे फैंस हैं जो ट्रू फैंस हैं मैं उनको ये बोलना चाहता हूं कि क्रॉस इट आबदा परवीन पीछे ओह वाओ वाओ दिस इज एन अमेजिंग कलाम कोक स्टूडियो I hope कि वीडियो पे ना आए कलाम because copyright का इशू आ जाता है इसलिए हमने ऐसा कराया है but of course जब नहीं हो साथ कोई बस तेरा है आसरा ये एक बहुत खूबसूरत कलाम है और wow wow that's a beautiful way to end the interview yeah. and well thanks for making for trusting us with all of that 100%. insight and who else if not you Amna especially since you saved my cat we have that bond may God give me a longer life to save a lot of other beings and His creation. Absolutely, Ameen. Ameen, Suma Ameen. Absolutely, and Inshallah, Allah kare, aapka business bahut aage bade aur bahut rise kare, and we will be here to, of course, cover it.